हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड सेमेस्टर का एक आपका सब्जेक्ट है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का, पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करेंगे, इसका कैसा पेपर आता है और क्या क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिल सके, सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर जरूर करना। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो यूनिट की बात की जाए, इसमें चार यूनिट है। पहली यूनिट है आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, जिसमें आपका एंशिएंट रूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव फ्रॉम द कौटिल्यास अर्थशास्त्र, मॉडर्न पीए एंड ओवरव्यू ऑफ द थ्योरेटिकल जर्नी, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थियोरिजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिट टू आप पढ़ोगे मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल आपका थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, जिसमें आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टाइलर, आइडल टाइप ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर, एल्टन मायो, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, रिलेशन डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट सीमन और इकोलॉजिकल अप्रोच फ्रेड रिक। तो ये सारे इनके थिंकर्स हैं। तीसरी यूनिट है कंटेम्प्रेरी थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, कोलाबोरेटिव गवर्नेंस, नेटवर्क गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस। यूनिट फोर पढ़ोगे आपका जेंडर पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जेंडर एंड गवर्नेंस, जेंडर सेंसिटिविटी, पार्टिसिपेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो चार यूनिट का पूरा है सिलेबस हमने देख लिया। अब जरा देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है लोक प्रशासन के अर्थ और दायरे की जांच करें, वर्तमान समय में इसके महत्व पर संक्षेप में चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन, लोक प्रशासन क्या है, हाल के दिनों में अनुशासन के विभिन्न आयामों और महत्व पर चर्चा करें। देखिए, मैं आपको अभी पैटर्न भी दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर कैसा इसका आया था। दूसरा क्वेश्चन, विश्लेषण करें कि संगठन का मानव संबंध सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत पर कैसे सुधार है। विश्लेषण करें कि संगठन का मानव संबंध सिद्धांत के वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत पर कैसे सुधार है। हार्टोन प्रयोग के विशेष संदर्भ में एल्टन मेयो के मानव संबंध सिद्धांत पर चर्चा करें। विकासशील समाजों के लिए रिक्स पारिस्थितिकी दृष्टिकोण की जांच करें। पांचवा, सुशासन क्या है, नीति निर्माण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा करें। छठा, लोक प्रशासन में नारीवादी परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करें। लोक प्रशासन में नारीवादी परिप्रेक्ष्य पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखें। सातवां, नया लोक प्रशासन क्या है, एक नए सार्वजनिक प्रबंधन से किस प्रकार भिन्न है। आठवां, उद्देश्य प्रबंधन के पीटर ड्रकर सिद्धांत की आलोचनात्मक जाँच करें। नौवां, सार्वजनिक नीति मॉडल की व्याख्या करें, सार्वजनिक नीति की प्रासंगिकता क्या है, सार्वजनिक नीति क्या है, सार्वजनिक नीति की विशेषताओं की व्याख्या करें। और कुछ टिप्पणियां हैं, टिप्पणियां क्या है आप देख लेते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी, मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत, निर्णय लेने का सिद्धांत, नीति चक्र। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। जरा इसका पेपर दिखाता हूं, इसका पेपर आता कैसा है, ठीक है, वो भी आप देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी सेकंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं। तो ये देखिए, ये पेपर है, कैसा पेपर आता है। ये पेपर आपका 90 नंबर का आएगा, पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देख लिए कौन कौन से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। 3 घंटे का पेपर, 5 क्वेश्चन इसमें आपको करने होंगे, हिंदी और इंग्लिश किसी में भी। पहला क्वेश्चन पूछा गया, लोक प्रशासन के विकास में कौटिल्य के योगदान का संक्षेप में परीक्षण कीजिए। कौटिल्य का सिद्धांत आपको लिखना होगा, 7 सिद्धांत है उसके, ठीक है। दूसरा, लोक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांतों की जाँच कीजिए, प्रशासन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा आपका रहेगा, संक्षेप में लोक प्रशासन के विकास का अनुरेखण कीजिए और समकालीन समय में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। चौथा, हॉटन प्रयोग के विशेष संदर्भ में मानव संबंध सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। पांचवा, मैक्स वेबर की नौकरशाही के वैधानिक तर्कसंगत उपागमे पर विवेचना कीजिए। नौकरशाही का सिद्धांत है आपका ब्यूरोक्रेसी का, वो आप कर जाना। छठा, फ्रेड रिक्स द्वारा दिए गए फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल का समलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। विकासशील समाजों को समझने के लिए इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। सातवां, मिन्नो ब्रुक सम्मेलन के संदर्भ में नवीन लोक प्रबंधन पर एक निबंध लिखिए, ठीक है, 7 हो गए। और फिर ये आठवां, वैश्वीकरण के युग में ध्यान नेटवर्क गवर्नेंस पर अधिक और सरकार पर कम है, टिप्पणी कीजिए। नौवां, लोक प्रशासन पर नारीवादी परिप्रेक्ष्य ने समावेशिता की दिशा में योगदान दिया, व्याख्या कीजिए। 10वें में कुछ आपके सार्वजनिक निजी विभेद, वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम, नई लोक सेवा या न्यू पब्लिक सर्विस और सुशासन गुड गवर्नेंस। तो पूरा पेपर है जो कि ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसे लगी जो बताएगा।